हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हुसैन सिद्दीकी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ आजियो हॉल। तो इसमें मैंने एक चीज जो मैंने आपको इससे पहले हॉल में दिखाई थी, तो बूट मैंने मंगाया था अपने लिए, तो वो थोड़ा सा मुझे एक साइज टाइट हो गया था, तो मैंने उसको रिटर्न कर दिया था। तो उसको चेंज करके मैंने मतलब रिटर्न करके दूसरा मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था। दूसरा ब्रांड भी है, कलर भी है, थोड़ा सा इसका स्टाइल भी थोड़ा चेंज है। तो चलिए पहले वो दिखा देते कि मैंने वो चेंज करके कौन सा मैंने परचेज किया है। तो ये है कुछ इस तरह का आया था मुझे और काफी अच्छा लगा मुझे, ये साइज भी बहुत अच्छा है। तो ये देखें कुछ इस तरह का पहले से डब्बे में आया था और ये है इसको दिखाते, ये कुछ इस तरह के मेरे प्यारे से बूट आ गए हैं जो ठंडियों के लिए तो बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छे लगते हैं। ठंडियों में कहीं भी आप जाते हैं जहां पे तो ठंड होती है, तो ये मैंने कुछ पहले मैंने डार्क ब्राउन कलर का मंगाया था, वो प्योर लेदर था, प्योर लेदर। और यहाँ पे ये प्योर लेदर का दिक्कत ये है कि थोड़ी सी उसमें फंगस लग जाता, बहुत केयर करनी पड़ती है। अगर थोड़ी सी सीलन की जगह पे आपने रख दिया तो फंगस लगने का 100% चांस रहता है। तो वो इसलिए मैंने उसको उस ब्रांड में मतलब अच्छा है, प्लेन्स वगैरह में जहाँ पे गर्म होता है हम लोगों के साइड में, तो वहां के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ के लिए थोड़ा सा मुझे लगा तो इसलिए मैंने चेंज कर दिया। तो वो उस ब्रांड का नाम मंगा के मैंने इसका ये मंगाया है। तो ये है थोड़ा सा एकदम लाइट ब्राउन कलर का है और यहाँ पे ऊपर फर भी लगा, बहुत प्यारा सा ब्यूटीफुल सा है और काफी अच्छा साइज मेरा एकदम फिट है। और आपने मोटे सॉक्स पहन के भी मैंने इसको ट्राई किया तो तब ये साइज मेरा बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे साइड में चेन लगा हुआ है, ये चेन काफी टाइट है, तो यहां से आपने डाला एंड क्लोज ये। तो क्वालिटी वगैरह मुझे बहुत अच्छी लगी और इसकी ये देखें शाइनी शाइनी है और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी लेदर है और इसमें भी अंदर से, एक मिनट दिखा देते हैं आपको, हाँ ये अंदर से ये देखो एकदम सॉफ्ट वाला क्लोथ मटेरियल भी लगा हुआ है जो बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा लगा। और इसका जो सोल देखें ये भी रबर का है, ऐसा एक और आता है ना प्लास्टिक का वो नहीं है। तो ये है यहाँ पे ठंडियों के लिए तो ऐसा रबर का ही सोल चाहिए और ये 41 साइज है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि एक इस बूट के लिए मुझे दो साइज बड़ा चाहिए, क्योंकि हम लोग मोटे वाले सॉक्स नहीं होते जो वूलन के अच्छे सॉक्स, वो डाल के तब पहनते हैं, तो उसके लिए तो साइज एक साइज ढीला होना चाहिए, एक साइज और उसके लिए चाहिए। तो इसीलिए मैंने उसको चेंज करके ये मंगाया। तो मुझे क्वालिटी वगैरह बहुत प्यारी लगी, अच्छी लगी। और तो दोनों इस तरह के आए हैं, तो ये रहा इस तरह का दोनों बूट। तो मैंने ब्लैक डार्क ब्राउन रिटर्न करके मैंने ये वाले मंगा लिए, हाँ सॉरी ये। तो ये है इस तरह के कुरे, कितने शाइनी है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग गया, मेरा साइज भी ठीक है। तो ये रहे मेरे बूट। तो चले अब इसको रख देते हैं साइड में और दिखाते हैं मैंने जो आजियो से मैंने क्या चीज परचेज की है। तो ये है छोटे छोटे, मैंने जैसा कि इससे पहले हॉल मैंने शेयर किया तो छोटी सी प्यारी सी मेरी गर्ल्स के लिए था, ये है बॉयज के लिए। तो इसमें भी गर्ल्स का एक दो आइटम आ गया है, तो चले कोई नहीं, हाँ दिखा देते हैं क्योंकि वो काफी लेट हो रहा था, क्योंकि मेरा वो जो मैंने हॉल किया है तो उसको मैंने दो तीन, जब मैंने अपलोड किया उससे 3-4 दिन पहले मैंने उसको शूट कर लिया था। अब ये मुझे ये सामान रिसीव हो रहा है तो काफी ज्यादा लेट हो रहा था, तो इस वजह से मैंने वो वाला हॉल कर लिया। और इसके बाद मुझे उसमें से एक दो चीजें गिफ्ट भी देनी थी इस वजह से। तो ये है कुछ इस तरह से, मैंने 5 चीजें हैं, लेकिन इसमें और अंदर ढेर सारी चीजें हैं, तो काफी अच्छा रहेगा। तो आपके भी अगर छोटे से प्यारे से बच्चे हैं, बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, तो अगर आपको परचेज करना है तो पूरा फुल वीडियो अच्छे से वॉच करिएगा। इन सबके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट प्रोडक्ट पे पहुंच सकते हैं, वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हॉल, तो फर्स्ट दिखा देते हैं। तो ये आया था इस तरह का स्वेटर आया था, जो मुझे तो सच बताएं बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा लगा क्वालिटी।
लेकिन जो मतलब साइज मैंने डाला था उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम आया, 6 से 12 मंथ का इसमें दिया हुआ है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। अगर थोड़े बच्चों की हाइट ज्यादा होती है तो उनको ये छोटा हो सकता है। तो आपके जो 3, 4, 5 मंथ के बेबीज हैं उनके लिए आप ये 6 मंथ तक ट्राई कर सकते हैं। 7 मंथ में भी बना सकते हैं, बच्चों की हाइट पे डिपेंड करता है। तो ये है कुछ इस तरह का स्वेटर, बहुत प्यारा सा लग रहा है। तो ये है ब्लू कलर का है, आई थिंक गर्ल्स के लिए ही है, बॉयज को भी पहना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, छोटे बच्चे रहते हैं तो उसमें इतना ज्यादा गर्ल्स बॉयज का नहीं रहता है। तो ये है डार्क ब्लू कलर, डार्क नहीं है सॉरी, रेड लाइट ब्लू कलर का ये है स्वेटर, और इसमें कुछ इस तरह से रिबन टाइप का जो प्रिंट है, और अंदर इसमें दो शेडेड है पिंक कलर का है। तो आप दोनों तरफ से नहीं बना सकते, और काफी मटेरियल इसका बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज्यादा क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो फर्स्ट मेरा ये था स्वेटर, एंड सेकेंड ये कुछ इस तरह का, हाँ तो ये है नाइट सूट है। तो ये देखें, तो ये कलर ऐसा है, आप गर्ल्स के लिए भी ले सकते हैं, बॉयज के लिए भी ले सकते हैं। इसमें तो ये है कुछ इस तरह का नाइट सूट है जो बहुत प्यारा है। तो ये मेरे बेटे को भी बहुत आराम से आ जाएगा, तो उसी के लिए मैं ये रख लूंगी। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्योर कॉटन मटेरियल है। तो इस तरह का इसका अंदर ऊपर का टी शर्ट है, और कॉलर नेक है, और प्योर कॉटन होजरी कॉटन का ये पूरा टॉप दिख जाता है। तो इसमें फिश है और बलून वगैरह बने हुए हैं, तो काफी अच्छा प्रिंट है और बहुत अच्छा लग रहा है। व्हाइट कलर के उस पर पूरा प्रिंट है, ऑरेंज और सा, और इसका पैजामा देखे काफी ज्यादा अच्छा लेंथ है, तो मुझे अच्छा लगा। और फुली इलास्टिक है और काफी अच्छा है। तो गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए आप ये नाइट सूट तो मंगा ही सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी। तो ये रहा मेरा फर्स्ट पीस, प्यारा सा नाइट सूट। तो ये आप दोनों के लिए मंगा सकते हैं, और ये कितने साल, हाँ 6 से 7 ईयर्स बच्चों के लिए है। और ये है बेबी वॉश, बेबी वॉश इसका ब्रांड है, और 6 से 7 ईयर बच्चों के लिए ये दिया हुआ है नाइट सूट। तो ये इसका लेंथ वगैरह काफी अच्छा है, और मतलब जो एज के अकॉर्डिंग दिया है तो उसके अकॉर्डिंग ये इसका सॉरी लेंथ वगैरह ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं फटाफट, देर नहीं करती हैं। तो ये क्या है था? हाँ तो ये मैंने मास्क मंगाया था, वो मैंने अपने लिए मंगाया था, मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब अलग क्यूट सा लग रहा था, और पैटर्न इसका मुझे बहुत प्यारा लगा, तो मैंने इसको तुरंत देख के मैंने मंगा लिया, क्योंकि अभी तक अमेजोन वगैरह फ्लिपकार्ट पे मुझे ऐसा मास्क देखा नहीं, मैंने देखा नहीं है वैसे, सच कहें मुझे तो नहीं दिखा। अब आप लोगों को दिखा होगा तो बताइएगा, मैंने तो ऐसा नहीं। और इसमें देखे कितना क्यूट पैकेजिंग, कितनी क्यूट सी आई है, और इसमें मतलब ये जूट का बैग है और इसके अंदर मास्क रखा हुआ है। तो ये है प्यारा सा मास्क, और लुक एट दिस कितना प्यारा है, और पिंक कलर का है, एकदम बेबी पिंक कलर का है। और यहाँ पे ये जो डोरी दी हुई है ये मुझे बहुत प्यारी लगी, ये देखें। तो ये देखें ऐसे में आपने ना यहाँ पे ये दिया हुआ है, ऐसे क्या करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसा फिट हो जाएगा, सॉरी। तो ये देखें काफी अच्छे से इसने नोज से लेके चिन तक अच्छे से कवर किया, और ये प्यारे से टसल से लगे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो अगर कुछ नया डिफरेंट सा ट्राई करना चाहते हैं तो इस मास्क के साथ जा सकते हैं, और इसमें प्योर कॉटन का है, अंदर ये व्हाइट कलर का कॉटन का इनर भी लगा हुआ है, बहुत अच्छा लगा मुझे, और क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी है। और ये प्यारी सी जो ये डोरी दी हुई है आपको छोटा और अपने साइज का अकॉर्डिंग करने के लिए, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और ये देखे टसल्स, तो आप अपने लिए और आपकी अगर बेटी 5, 6, 7 ईयर्स की है तो उसके लिए भी आप मंगा सकते हैं। तो बहुत प्यारा लगा, प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, और यहाँ पे देखे बटन भी लगे हुए हैं कलरफुल से। तो ये है यहाँ पे एक है, और एक किसी उसी पैकेट में गिर गया, चलो उसको तो लगा लेंगे, कोई नहीं। तो ये है प्योर कॉटन का मास्क
जो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट और यूनिक लगा, तो इसीलिए मैंने इसको मंगाया है। तो चलिए ये रहा, और ये मेरे ड्रेस से भी मैच कर रहा है। तो ये रहा मेरा मास्क, चलिए इसी में रख देते हैं। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं। तो ये है मेरे प्यारे से छोटे से बेबी बॉय के लिए आया है, बहुत ही क्यूट सा है। तो ये भी इसका मटेरियल भी सॉफ्ट है बहुत ही ज्यादा, और पैटर्न देखिए, लुक एट दिस, कितना प्यारा है। तो इसमें टेडी बियर बना हुआ है प्यारा सा, और इसका एमआरपी भी 699 दिया हुआ, लेकिन काफी अच्छे प्राइस में मुझे ये मिल गया था। तो इसका ये सॉफ्ट मटेरियल है, थोड़े से ये ईयर भी निकले हुए हैं टेडी बियर के, और ये है इसका थोड़ा प्यारा सा माउथ आईज ईयर। तो ये है ब्लू एंड ये है ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसा ये मतलब बॉयज के लिए तो है ही, गर्ल्स को भी आप ऐसे डाल सकते हैं। तो बहुत प्यारा सा है, 6 मंथ के बच्चे जो हो जाते हैं ना उनके लिए है, और 6 से 1 ईयर्स के लिए है। हाँ, 6 से 1 ईयर्स के बच्चों के लिए ये प्यारा सा स्वेटर है, जो बहुत ही सॉफ्ट है, क्यूट है, बहुत अच्छा है। तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी आई है, जितने भी मैंने बेबीज के ड्रेस वगैरह मंगाए हैं उनकी क्वालिटी मुझे अभी तक बहुत अच्छी रिसीव हुई। जैसे छोटे बच्चों को हम लोग पहनाते हैं कि उनके कपड़े सॉफ्ट होने चाहिए, ज्यादा हार्श नहीं होने चाहिए, काफी मतलब उनका जो क्लोथ मटेरियल है हम लोग उनको सॉफ्ट ही पहनाते हैं। जो मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया वो भी सॉफ्ट कपड़े ही ढूंढता है, तो उसको इस तरह के काफी हम ऑनलाइन ज्यादातर उसकी शॉपिंग करते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो इसमें अब कुछ नहीं है, एंड लास्ट में दिखा देती हूँ। तो ये भी बेबी बॉय एंड गर्ल के लिए है, तो इस तरह का इसमें कुछ ये ढेर सारे सॉक्स आए हैं हमारे बच्चों के लिए। तो इस तरह से इसमें काफी ढेर सारे कलर हैं, तो पैक ऑफ 3 आया है इस तरह का। तो इसमें है ग्रे, एक मिनट खोल के मैं दिखाती हूँ। देखिए जिस कितना प्यारा लग रहा है। तो ये है ये येलो ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन, देखते। तो ये न्यू बॉर्न बेबी से 6 मंथ के बच्चों के लिए आप ये परचेज कर सकते हैं, बहुत ही प्यारे सॉफ्ट से सॉक्स हैं। तो जैसे आपको उनको आजकल कोई भी ऐसा नहीं कि बड़े हो गए चल रहे हैं, तभी आप छोटे से न्यू बॉर्न बेबी होती है उनको भी हम लोग सॉक्स वगैरह पहना के रखते हैं। तो इस तरह के आप 3 पेयर आप ले सकते हैं न्यू बॉर्न बेबीज के लिए। तो ये गर्ल्स बॉयज किसी के लिए भी आप परचेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि गर्ल्स है बॉयज है, नहीं, आप दोनों के लिए परचेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ये 6, 7, 8 ईयर की गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए है ये। तो इसमें भी पैक ऑफ 3 आया है, इसमें भी बॉयज के लिए भी ले सकते हैं और गर्ल्स के लिए भी। यार पैकेजिंग कैसी है निकल, और काफी अच्छा मतलब इनका वो है, कपड़ा इतना सॉफ्ट है। तो ये देखें, इसमें एक आया है ये डार्क ब्लू कलर का, व्हाइट कलर का, और एक ये ब्लू कलर का। तो इस तरह का पेयर 6 पेयर आया है। तो ये अभी आप जैसे 2, 3, 4, 5 ईयर्स के बच्चे हैं तो उनके लिए भी इस तरह के, और क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इनके लिए भी परचेज कर सकते हैं। और लास्ट है मेरा इस तरह का कुछ, तो ये है स्पेशली बेबी गर्ल के लिए। तो वो भी न्यू बॉर्न बेबी या आपकी 2, 3, 4, 5, 6 मंथ का बेबी है, बेबी गर्ल। तो इतने प्यारे से इसके भी 3 पेयर्स आए हैं। तो ये है बेबी पिंक कलर के आए हैं, और ये है व्हाइट कलर का, और ये है पिंक। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आया है, और काफी अच्छी क्वालिटी, काफी टाइम तक आपका चलेगा। तो ये काफी मतलब वॉश करते करते भी रहेंगे तो आराम से ये आपका चलेगा। तो ये रहा मेरा प्यारा सा छोटा सा आजियो हॉल छोटे प्यारे से बच्चों के लिए। और एक चीज जो मैंने, एक नहीं दो चीजें जो मैंने अपने लिए मंगाई थी, तो वो मास्क तो मैंने गर्ल्स के लिए भी मतलब है, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स के लिए भी आप अपनी आपकी बेटी है या आप अपने लिए दो मंगा ले, एक अपने लिए अपनी बेटी के लिए, तो वो तो ठीक है। चलिए तो ये रहा मेरा छोटा सा प्यारा सा आज ही, और कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें प्लीज। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।